हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं, यहां पे एलजी का इन्वर्टर एसी है और इसमें एरर कोड आ रहा है CH05। ठीक है, यहां पे देख सकते हो स्क्रीन पे CH05 आ रहा है। और CH05 का जो एरर कोड होता है वो इंडोर टू आउटडोर कम्युनिकेशन का होता है। मतलब जो हमने इंडोर टू आउटडोर कम्युनिकेशन का वायर डाला हुआ है, वो वायर में अगर कहीं पर भी फॉल्ट रहेगा, मतलब कि अगर आउटडोर में सप्लाई नहीं पहुंचेगा, तो उसकी वजह से CH05 का एरर कोड आता है। ठीक है गाइस, अब चलिए आपको आउटडोर यूनिट पे लेके चलते हैं और वहां पे दिखाते हैं उसकी पाइपिंग और आउटडोर यूनिट। तो यहां पे देखिए, यहां पे जो है इस तरीके से पाइपिंग हुआ है आउटडोर यूनिट पे, और ये जो है एलजी का डुअल इन्वर्टर मशीन है। ठीक है, अब इसके आउटडोर में हम लोग देखेंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्या यहां तक सप्लाई आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आइए आपको मॉडल नंबर इसका दिखा देता हूं, इसका मॉडल नंबर वगैरह क्या है। देखिए यहाँ पे 1.5 टन का मशीन है। ठीक है, अब इसके कवर को पहले खोल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अभी हमारा कवर खुल चुका है और यहाँ पे देखिए कि एन लिखा हुआ और एल लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब कि जो रेड वायर है उसमें फेस आना चाहिए और जो ब्लैक वायर है उसमें न्यूट्रल आना चाहिए। तो इन्वर्टर एसी में फर्स्ट और सेकेंड वायर में हमारा 220 वोल्टेज आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे टेस्टर से चेक करते हैं, तो यहाँ पे देखिए सप्लाई यहाँ पे आ ही नहीं रहा है। ठीक है, मतलब कि जब फेस न्यूट्रल ही नहीं आ रहा है तो हमारा कम्युनिकेशन का एरर जो है जरूर आएगा एसी में। ठीक है, यहां पे सप्लाई हमारा कंटिन्यू आना चाहिए 220 वोल्ट, और 220 वोल्ट के बाद भी हम उसको डीसी में भी चेक करते हैं न्यूट्रल और येलो वाले वायर के ऊपर। ठीक है, तो अभी फिलहाल हमारा फेस ही नहीं आ रहा है, तो फिलहाल जो है हमारा एरर कोड तो आएगा ही, जाहिर सी बात है। तो चलिए इसको एक बार जो है ना हम लोग मीटर से भी कंफर्म कर लेते हैं, क्योंकि टेस्टर में तो नहीं बता रहा है, हो सकता है कि हमारा टेस्टर खराब हो। तो चलिए पहले मीटर को ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अभी हम लोगों ने मीटर को ले लिया है। ठीक है, और दोनों पिन को भी लगा दिया है। अब इसको हम लोग सेट करेंगे, यहाँ पे 600 वोल्टेज है। ठीक है, देखिए एसी का मार्किंग है। ठीक है, एसी वोल्टेज का। तो चलिए अभी हमारा सेट हो चुका है और हम लोग जो है अब ऊपर की तरफ मीटर को लगा लेंगे, और मीटर को लगाने के बाद फिर हम दोनों जो मीटर का दोनों पिन है उसको हम लोग रेड वाले वायर पे और ब्लैक वाले वायर पे चेक करेंगे कि क्या यहाँ पे 220 वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, पहले इसको अच्छे से सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अभी हमारे मीटर में आप देख सकते हो, यहाँ पे दोनों पे लगाने के बाद यहाँ पे 220 वोल्टेज नहीं आ रहा, मतलब कि 0 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, मतलब कि वहां से इंडोर से हमारा सप्लाई ही नहीं आ रहा है। ठीक है, अब इस सूरत में ये हो सकता है कि इंडोर टू आउटडोर जो हमारा केबल है, हो सकता है कि हमारा बीच में केबल ब्रेक हो गया हो। ठीक है, तो दोस्तों अभी तो हमारा पूरा चेकिंग हो चुका है और आगे बताएंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या था। तो अभी हम लोगों ने वापस ऑन किया है एसी को, और यहाँ पे देखिए अभी जो है हमारा आउटडोर यूनिट चालू हो चुका है। देखिए हमारा फैन चल रहा है। ठीक है, फैन भी चल रहा है और हमारा कंप्रेसर भी प्रॉपर तरीके से चल रहा है। ठीक है, तो इसमें जो प्रॉब्लम था, चलिए आपको एक बार मैं आपको दिखाऊंगा इंडोर की तरफ में। तो यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे सप्लाई एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अभी सप्लाई जो है टेस्टर में आ रहा है। ठीक है, मतलब कि सप्लाई जो था वो इंडोर यूनिट से ही नहीं आ रहा था। अब चलिए दिखाते हैं कि कहाँ से नहीं आ रहा था। तो चलिए एक बार इंडोर यूनिट में आपको लेके चलते हैं, और यहाँ पे देखिए अभी हमारा सप्लाई भी आ रहा है और कम्युनिकेशन भी कर रहा है येलो वायर में, और हमारा न्यूट्रल भी आ रहा है। तो गाइज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो वायर का कनेक्टर है, यहाँ पे देखिए वायर का कनेक्टर हिलाने पे वहां पे स्पार्किंग कर रहा था, हल्का फुल्का जो है स्पार्क हो रहा था, मतलब कि अंदर जो है वो लूज कनेक्शन था, इसके वजह से सप्लाई जो है वहां तक नहीं पहुंच पा रहा था। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने निकाल करके और उसको थोड़ा पिन को थोड़ा क्रॉस करके और वापिस बिठा दिए, तो हमारा प्रॉपर तरीके से वहां पे सप्लाई जाने लगा। ठीक है गाइज, तो अभी जो है हमारा देखिए एसी जो है अभी फर्स्ट क्लास चल रहा है, और अभी हम लोगों ने नीचे का कवर भी नहीं लगाया है। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास हमारा एसी चल रहा है, तो हमारा जो कम्युनिकेशन का एरर था वो हमारा इंडोर यूनिट से और आउटडोर यूनिट तक हमारा मेन सप्लाई जो है नहीं पहुंच पा रहा था। ठीक है, तो इसके वजह से प्रॉब्लम हो रहा था। तो दोस्तों CH05 का जो एरर कोड होता है वो जो है इंडोर टू आउटडोर कम्युनिकेशन का रहता है। ठीक है, अब केबल खराब होने की वजह से भी होता है, कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि आउटडोर में सप्लाई जाता है लेकिन आउटडोर का पीसीबी खराब होने की वजह से भी कम्युनिकेशन का एरर आता है। ठीक है, तो गाइज ये एसी अभी हमारा प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, कूलिंग भी हो रहा है और आउटडोर यूनिट भी चल रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग जो इसका कवर निकाले थे नीचे साइड का, वो हम लोग लगा के ले लेंगे। ठीक है, तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आपको आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।